सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप आईपीएल के फैंस हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले ही सेमीफाइनल में हैदराबाद को हराकर आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए प्रवेश कर लिया था, तो वहीं हैदराबाद की टीम ने 25 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 14 रन से हराकर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। वहीं इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव कर सकती है। सैम बिलिंग्स और ध्रुव शौरी को मिल सकता है चेन्नई टीम में मौका। चेन्नई अपनी टीम में फाइनल मैच के लिए 2 बड़े बदलाव कर सकती है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव सैम बिलिंग्स और ध्रुव शौरी का होगा, जिनको एक बार फिर चेन्नई की टीम में खेलने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने अभी तक आईपीएल 11 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और कई मौकों पर अपनी टीम को मैच जिताया है। आइए जानते हैं दोनों टीमों के संभावित खिलाड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित टीम: शिखर धवन, एलेक्स हेल्स, केन विलियमसन, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, रिद्धिमान शाह, राशिद खान, शाकिब अल हसन, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित टीम: शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सैम बिलिंग्स, रविंद्र जडेजा, बेन ब्रावो, हरभजन सिंह, डेविड विल्ली, शार्दुल ठाकुर, केम आसिफ। ऐसे में दोस्तों, आपके अनुसार कौन से टीम जीत दर्ज करेगी फाइनल में, आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आप नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।